हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस करना कि एक प्रॉपर कंट्री साइड यानी गांव, यूके का गांव, उसमें हट लिया मैंने एक रात के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखें, बड़ी ट्रेडिशनल जिस तरह एक गाँव में होती है, यहाँ के गांव में, पाकिस्तानी गांव में, ये छोटा सा रास्ता आ रहा है, पीछे एक गार्डन टाइप है, छोटी सी जगह बनी हुई है। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही कमरा लेकिन उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, ट्रेडिशनल सोफ़ा, फिर इस साइड पर ये लकड़ी का बना हुआ माइक्रोवेव और सारी मॉडर्न फैसिलिटीज, बर्तन वगैरह पूरे हैं, टेबल है। ये यहाँ पे लकड़ी जला के क्या करते हैं कि जब सर्दियाँ होती हैं, अभी तो गर्मी है, सर्दियाँ होती हैं तो इसको कमरे को गर्म करना हो, फिर इन्होंने देखें ज़रा चीज़ें हमें कुछ दी हैं, कपड़े कपड़े ये सब कुछ बना हुआ। वहाँ पे एक रेडियो भी चल रहा है, ये बेड है मेरा और कुछ बुक्स हैं। बाथरूम भी आपको दिखाते हैं ज़रा डिफरेंट टाइप का। अंदर आए तो ये बाथरूम सामने, और यहाँ पे आपने अंदर घुस के नहाना अगर होता, पीछे छोटा सा गार्डन है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। गार्डन इन सेंस के कंट्री साइड का माहौल। ये सारी लाइट्स जो हैं ये रात को ऑन होती हैं तो थोड़ा खूबसूरत माहौल बनता है। ये दरख्तों के तने काट के उन्होंने नीचे लगाए हुए हैं बैठने की जगह, और ये नीचे ख़ास चीज़ है, ये एक्सट्रीम आबशार उसको या जो भी आप कहते हो उर्दू में, ये पानी पूरा जा रहा है, ये साफ़ वाला गंदा वाला पानी नहीं है, ये ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। पीछे खुली जगह, अभी फील्ड है, मैं उधर जाने लगा हूँ, थोड़ा वॉक शॉक करूँगा। तो ये जी एक्सपीरियंस प्रॉपर ट्रेडिशनल विलेज में, यूके में, ये लॉक लॉमंड के पास का एरिया, वहाँ पे सिर्फ एक रात के लिए मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, वो एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत खूबसूरत, अभी ड्राइव करके आया हूँ तो रोड्स, हिल्स, फील्ड्स यहाँ की, फिर वो क्या कहते हैं शीप और काऊ, वो सारा माहौल है देसी सा, तो वो सारा मैंने अभी निकल के वॉक भी करनी है, एक्सपीरियंस भी करना। तो आप भी ज़िंदगी में निकला करो, शहरी हो, गांव में जाया करो, खुली जगह पे जहाँ आप, हवा जो है यहाँ बहुत साफ़ है, कोई शोर शराबा नहीं है, पानी का सिर्फ शोर आ रहा जो कि नेचुरल। सो आई एम लविंग इट। बाकी जो है जैसा एक्सपीरियंस होता है, ये ना हो कि रात को मच्छर काटे और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आई एम लविंग इट। थैंक यू वेरी मच।